बहुत सारी करामतें जो हर हफ्ते को सैकड़ों नहीं है कि तादाद में सरकार जी से लोग शफा पा के जाते हैं और मूसी मर्जों में लोग आते हैं जिनका इलाज नहीं होता, सरकार दम करते हैं, अल्लाह उन्हें शफा देता है। ये आज जो मैं आपके सामने अल्लाह के वली की दुआ को रख रहा हूं कि अल्लाह सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। ये जो बच्चा रावलपिंडी से आया है वो उसके वालिद भी और अफसा भी यहाँ सामने आ जाएं। ये रावलपिंडी कमालाबाद से ये बच्चा आया है, ये बच्चा खुद हाफिज़ कुरान है, ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हाफिज़ कुरान है और ये बच्चा घर से लापता हो गया, गुम हो गया, घर वालों से लेकर मस्जिद तक, मस्जिद से लेकर मदरसे के उस्तादों तक दुआएं सब ने की हैं, दुआएं सब ने की हैं। आजकल एक बात बनी है, यार खैर है, अल्लाह तो सबकी सुनता है, तुम दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ क्यों जाते हो? बुलावड़ा शरीफ में भी तो दुआ करते हैं, बुलावड़ा शरीफ वाले भी तो दम करते हैं, बुलावड़ा शरीफ वाले भी तो यही कुरान पढ़ के फूंक मारते हैं। तो ये कुरान तुम्हारे घर में भी है, मुसल्ला तुम्हारे घर में भी है, रब घर में भी सुनता है, मस्जिद में भी सुनता है, दरबार पे भी सुनता है, तुम दरबार क्यों जाते हो? लोगों घर में मांगो रब सुनता है, मस्जिद में मांगो सुनता है, मदरसे में मांगो सुनता रब की है, लेकिन जिस वक्त रब के यार हाथ उठाते हैं वो सुनता नहीं है बल्कि सुनकर उस बात को पूरी कर देता है। ये सुनना, ये बेटा आपसे कुरान है सरकार जी, ये मुकम्मल 30 पारों का ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। सरकार जी के पास आए, आज देखें ये गले में माला डाल रहे हैं, इसके साथ और काफी सारे लोग आए, वालदा है, दीगर अबाब हैं रावलपिंडी से जो अबाब तशरीफ लाए हैं। सरकार जी के पास आए ना तो सरकार जी से भी इन्होंने यही कहा कि सरकार दुआ करें, हमने दुआएं की हैं, सदके भी दिए हैं, दुआएं करवाई भी हैं, लेकिन जवान 18 साल का बेटा हाफिज़ कुरान है, सरकार गुम हो गया, कहीं पता न चला। बादशाह सरकार ने फरमाया इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, तीसरे दम पे वो घर आ जाएगा, तीसरे दम पे। बाबा जी ऐसे ही कहा ना, सरकार ने लंबी चौड़ी बात नहीं की, सरकार ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम ये पढ़ो और तुमने ये करना है ये। बादशाह सरकार ने फरमाया जाए, फिक्र न करें, जैसे घर से गया है ऐसे ही घर में आ जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दम पे सरकार जी के पास ये बच्चा खड़ा है और ये तीन दम करवाए। तलाश इन्होंने जो बच्चे को एक माह से पहले, एक माह ये बच्चे को तलाश करते रहे और फिर एक माह के बाद फिर सरकार जी के पास आए कि बच्चा, सरकार बच्चा मिल नहीं रहा, कहीं से नहीं, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहीं पता नहीं चल रहा। बच्चा सरकार ने जो 30 दिनों में तलाश करते रहे बच्चा मिला नहीं है, जो तीन दमों के अंदर आज तीसरे दम पे सरकार जी के बाएं तरफ वो बच्चा खड़ा है, हाफिज़ कुरान है। इसको कहते हैं कि रब सुनता सबकी है और पूरी किसी किसी की करता है। दुआएं सब ने की, लेकिन जिस वक्त सरकार जी के पास आए और सरकार जी ने फरमाया, जो वक्त बताया, जो दिन बताया, वही वक्त था, वही दिन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दम पे ये बच्चा आपके सामने